अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने एक सीरीज बनाया था वीडियोस की, जिसके अंदर के मैंने बताया था आपको कि मैं प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी इन टर्की के बारे में भी टोटल गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मैं अभी अभी ये पूरे दौर से गुजरा हूँ और ये पूरे वाकयात मेरे दिमाग में फ्रेश है, तो मैं चाह रहा हूँ कि शेयर करूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि आप टर्की में रेसिडेंसी कैसे ले सकते हैं, फिर एक किया था कि टर्की में सिटीजनशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे ले सकते हैं। उसके बाद में उसी टाइम पे मैंने बताया था कि आप टर्की में प्रॉपर्टी कैसे बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बीच में अंकारा का एक ट्रिप हो गया और थोड़ा मैं बिजी था, मेरा खुद की एक प्रॉपर्टी की टापू का काम था तो मैं नहीं बना पाया। कल ही मेरी प्रॉपर्टी का एक टापू हुआ है और ये सारे प्रोसेस से मैं अभी अभी गुजरा हूँ, तो मैं ये प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे रेगुलरली कॉल जाते रहती है कि भाई मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ इस्तांबुल में, हाउ शुड आई स्टार्ट। तो मैं एकदम स्टार्ट से एंड तक का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले, अगर आप बाहर है, इंडिया में है या कहीं अब्रॉड है और आप चाहते हैं टर्की में आके प्रॉपर्टी खरीदे, तो आपको विजिट करना लाजमी है, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में बैठे बैठे या दुनिया में कोई भी कोने में बैठे बैठे भी वर्चुअल टूर करके प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन जनरली हर कोई ऐसा नहीं करता, तो आपको विजिट करना ज़रूरी है। विजिट के लिए आप, अगर आपके पास यूएस और यूके वीज़ा या यूरोपियन वीज़ा है, ठीक है, तो आपको ई वीज़ा भी मिल जाएगा, ठीक है, या तो टर्की का स्टिकर वीज़ा भी आप ले सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते टर्की के वीज़ा के लिए। आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है, आपके कुछ फोटोग्राफ्स देने पड़ते हैं और आपका ऑक्यूपेशन प्रूफ दिखाना पड़ता है, और 10 से 15 वर्किंग डेज का वक्त लगता है, आप अपना वीज़ा लगा सकते हैं। वीज़ा लेकर के आप टर्की आइए। टर्की आने से पहले कुछ चीज़ें होमवर्क कर लीजिएगा, आप कुछ रिसर्च कर लीजिए कि आपको कौन से एरिया में प्रॉपर्टी लेना है, यूरोपियन साइड लेना है, एशियन साइड लेना है, अपना मन बना ले, ठीक है। और कौन सी कंपनी के साथ में आपको काम करना है, उस दो तीन, मतलब ऐसा है कि टर्की में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप दो तीन कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए जो आपको लगे कि सही है, उन दो तीन कंपनीज के साथ में आप ऑप्शंस देखिए, तो आपको पता समझ में आएगा कि कौन से लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। आप जब टूरिस्ट वीज़ा पे आए, ठीक है, या घर लेने आए, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप आते साथ में यहाँ पे विजिट वीज़ा पे भी आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपका टैक्स नंबर होना ज़रूरी है, आप टैक्स नंबर लेकर के अपना बैंक अकाउंट खोल दीजिए कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों ने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लिए होते हैं, उनको अच्छी लग जाती है, लेकिन पैसे का प्रोसेस जो होता है वो आने का, वो एक कभी कभी वक्त लग जाता है, तो प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहते हैं वो निकल जाती है तब तक। तो आप आके अकाउंट खोल ले, इंडिया से या कहीं से भी आपको कोई पैसे ट्रांसफर करने वाला है, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोसेस में हमने ऐसा किया था कि मैं पहले आया, मैंने अकाउंट खोल लिया था, मैंने अकाउंट खोला, मेरे फादर ने मुझे पेमेंट ट्रांसफर की थी जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, तो या तो आपके वाइफ के या आपकी फैमिली मेंबर के अकाउंट में वहां पैसे, आप यहाँ पे अकाउंट खोल ले और आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर ले, ठीक है, तो आप के लिए वो इजी हो जाता है। बैंक अकाउंट खोलना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा, आप एरिया शॉर्टलिस्ट करें, कौन से एरिया में चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 3+2 चाहिए, 2+2 चाहिए, 1 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, ये ब्लॉक्स डिसाइड कर ले कि आपको रहने के लिए कौन सा घर चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा घर चाहिए। मैंने प्रॉपर्टीज के ऊपर जब वीडियो बनाया था तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा फायदेमंद है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर ये फोकस करें कि हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो लोकल क्राउड, जो मेजर टर्किश ऑडियंस है, उनकी नज़र में वो प्रॉपर्टीज कैसी है, क्योंकि आप कभी भी वो प्रॉपर्टी लेंगे जिसमें लोकल टर्किश बायर इंटरेस्टेड है, तो हमेशा आप सेफ रहेंगे और आपको कभी भी प्रॉपर्टी के अच्छे रिटर्न्स आएंगे, कभी भी रेंटल रिटर्न अच्छा आएगा, और कभी भी आपको सेल करनी हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी इमीडिएटली बिक जाएगी। प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आप एक 2% का टोकन अमाउंट दे करके प्रॉपर्टी ब्लॉक कीजिए। आपके रियल इस्टेट एजेंट को बोलिए कि आप सेलर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं कि आप इतने दिन के अंदर बचावा पैसा देंगे, और आप उसकी टापू की कॉपी लीजिए,
टापू की कॉपी लेकर के। सबसे बेस्ट और सेफ ये है दोस्तों, मैं हमेशा रिक्वेस्ट लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई खुद रिसर्च करके कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो, और स्पेशली अगर कोई सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई डायरेक्ट कोई बहुत बड़े डेवलपर से नहीं ले रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी की आपके इधर आपका जो एमलेक एजेंट होगा या तो आपकी जो कंसल्टेंसी सर्विस होगी उसको बोलिए कि लॉयर अपॉइंट करे, प्रॉपर्टी की ड्यू डिलिजेंस करवाए, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स चेक करे कि प्रॉपर्टी को स्कान है कि नहीं है, प्रॉपर्टी को टापू क्या स्टेज का है, काट इर्तिफाक है, काट मुल्कियत है, ठीक है, फिर उसके ऊपर कोई क्रेडिट वगैरह तो नहीं है। वो आपकी प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट करवाए, एक्सपर्ट रिपोर्ट कोई अच्छे लॉयर से कराए। कभी कभी हम लोग ये लॉयर के और ये छोटे मोटे फीस बचाने के चक्कर में घाई करते हैं और फिर आगे जा कर के कुछ मसले आते हैं। तो इसकी वजह से आप लॉयर करें, या तो आपके एमले के एजेंट का काम है कि वो लॉयर से वो सारी चीजें चेक करके रहे। आप देख सकते हैं हाल ही में मैं ये टापू के प्रोसेस से गुजरा हूँ। वो टापू का प्रोसेस कैसा होता है, कैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, जनरली यहाँ पे दो मोड ऑफ ट्रांसफर चलते हैं, एक ब्लॉक चेक और एक मनी ट्रांसफर वायर मोबाइल बैंकिंग। ज्यादातर ये मोबाइल बैंकिंग कॉमन है, ज्यादातर यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। ब्लॉक चेक ज्यादा सेफ है, लेकिन बास जगहों पे मैंने देखा हूँ ये जो टर्किश ओनर्स रहते हैं वो ब्लॉक चेक लेने के लिए मना करते हैं कभी कभी। तो ये है कि आप टोकन, यहाँ पे एक प्रोसेस ये होता है कि आप टोकन अमाउंट देंगे, टोकन अमाउंट देने के बाद में जिस दिन टापू के दिन होगा सामने जो सेलर होगा वो टापू के लिए अपॉइंटमेंट लेगा। आपको एक SMS आएगा कि फला फला ओनर ने फला दिन पे आपको टापू के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। उससे पहले आपको एक टापू के लिए फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भर करके आपका फोटोग्राफ पासपोर्ट डिटेल्स करके वो टापू का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आपको टापू में जाकर के टापू का टैक्स भरना पड़ता है, टापू ऑफिस में जाके। टापू टैक्स जो है ये 4% है, आपकी नेगोशिएशन के ऊपर है। मैंने जैसे पहले भी बताया था 2% ओनर बायर 2% सेलर भरता है। ज्यादातर जो ओल्ड प्रॉपर्टीज होती है या रीसेल प्रॉपर्टीज होती है उसमें ज्यादातर ओनर्स यहाँ पे बोलते हैं कि हमको नहीं भरना, तो ये बायर ही भरता है 4%। तो ये सारी चीजें जो है आप टापू ऑफिस में जाते हैं, आप वो टापू का टैक्स भरते हो, ठीक है। टापू का टैक्स भरने के बाद में फौरन आप पेमेंट एक हाथ से एक जगह से टापू ऑफिस से ही सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और उसी दिन आपका टापू बन करके आपको मिल जाता है। आपका टापू बन जाने के बाद में, टापू बन गया तो मतलब ऐसा है कि वो घर आपका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे हो गया। ये प्रोसेस फौरन है, 1-2 घंटे का प्रोसेस है, ये हो जाता है। इसके बाद में आप वो टापू की कॉपी लेकर के थोड़े प्रोसेस रहते हैं, आप बलदिया में जाएंगे म्युनिसिपैलिटी में, आपके नाम पे ये घर आपने ले लिया है ये रजिस्टर करवा लेंगे। उसके बाद में आप लाइट गैस पानी जो यहाँ पे होता है ये सब आपको अपने नाम पे ट्रांसफर कराना होता है। फिर एक डस्ट का अर्थक्वेक का इंश्योरेंस होता है, आपको अपने नाम से वो भरना पड़ता है, वो तकरीबन 300 टेले का होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज ये प्रोसेस था कि ये मैंने प्रोसेस बताया कि टर्की में प्रॉपर्टी लेने के लिए किस स्टेप से आपको गुजरना है और कैसे प्लान करना है। अगर इस पे कोई भी सवाल हो तो आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।